हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी लाइफ एंड स्टाइल। और आज हम करने जा रहे हैं ब्लीच। तो ब्लीच के लिए बहुत लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है, फेशियल कैसे करें, फेशियल से पहले ब्लीच करें या बाद में करें, और भी कई तरीके के प्रॉब्लम आते हैं ब्लीच के दौरान। तो वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ब्लीच हमेशा फेशियल से पहले होता है। फेशियल से पहले हम ब्लीच करते हैं, उसके बाद हम फेशियल करते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ करने जा रही हूँ VLCC इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच क्रीम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसमें क्या मिलता है हमें। तो ये आप देख सकते हो, ये होता है ब्लीच क्रीम, और ये सारे दिए हुए हैं हमारे पोस्ट और प्री में जो जेल यूज़ होता है फेस के लिए वो, और एक्टिवेटर साथ में दिए हुए हैं। तो ये सारे चीज़ इसके साथ मिलते हैं, इसके बॉक्स में रहते हैं। ब्लीच करने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। इसके लिए आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्लींजर यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए। फिर यूज़ करेंगे VLCC प्री जेल, जो मैंने आपको बॉक्सेस के अंदर दिखाए थे। इसमें प्री और पोस्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम प्री जेल यूज़ करेंगे। अपने फेस पे इससे 1 मिनट तक मसाज करना है। इससे क्या होता है कि ये आपके स्किन को कभी भी हार्श नहीं करेगा। जो ब्लीच होते हैं वो थोड़े से आपके स्किन के लिए हार्श होते हैं, तो इसे वो काम कर देगा और आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लो देगा। अब मैं यहाँ पे इंस्टा ग्लो VLCC ब्लीच क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे फेस पे और नेक पे क्लाइंट के यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून ही ले रही हूँ। अगर आपको पूरे बॉडी पे अप्लाई करना है तो आप उसी अकॉर्डिंग ले सकते हो। याद रहे, जो बाउल आप यूज़ कर रहे हो इसे मिक्स करने के लिए, वो कभी भी स्टील का ना हो, आयरन का ना हो। आप हमेशा या तो प्लास्टिक यूज़ कर लो या फिर आप चीनी मिट्टी यूज़ कर लो, कांच यूज़ कर लो। तो इस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है। फिर मेन है यहाँ पे एक्टिवेटर। तो VLCC एक्टिवेटर हमें कितना यूज़ करना है, इसका रेशियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ब्लीच क्रीम लिया है, तो उसमें मैं 2 चुटकी एक्टिवेटर मिक्स करूँगी। इससे ज़्यादा हम मिक्स नहीं करेंगे। बहुत लोग एक्टिवेटर ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, इसकी वजह से उनके फेस पे रैशेज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है। तो आपने एक्टिवेटर बहुत ही ध्यान से मिक्स करना होता है। तो रेशियो आपका सेम ऐसा ही चलेगा। आप या तो 4 चम्मच लो, तो 4 चुटकी आप एक्टिवेटर मिक्स कर सकते हो फेस में, बॉडी में आपने उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आप बॉडी में चाहो तो थोड़ा 1 चुटकी ज़्यादा मिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फेस के लिए आपने बिल्कुल सेम क्वांटिटी में ही मिक्स करना है। तो ब्लीच और एक्टिवेटर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल दानेदार नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने पूरे फेस पे अप्लाई करनी है। अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा अप्लाई कीजिए ब्लीच। जब भी आप ब्लीच करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही यूज़ करिए। अगर आपको ब्रश से लगाने में परेशानी होती है तो कोई बात नहीं है, आप अपने फिंगर का भी अब यूज़ कर सकते हैं। आप फिंगर से आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखिए, अपने हेयर को और अपने आईब्रो को सिक्योर करते हुए ही लगाइए। मतलब उसे स्किप करना है बिल्कुल भी नहीं लगाना, अपने आईब्रो और अपने हेयर पे, और अपने आईज को भी सिक्योर करते हुए चलना है। तो आईज से थोड़े दूर से ही लगाएं, बिल्कुल भी पास से ना लगाएं, क्योंकि आपके आंखों में जलन हो सकती है। लोगों का ये कहना है कि ब्लीच हम क्यों कराते हैं, तो ब्लीच से हमारे जो अनइवन स्किन टोन होते हैं वो इवन हो जाते हैं, आपका सेम कलर हो जाता है, आपको जो आपके हेयर होते हैं फेस के जो हेयर होते हैं वो आपका इजली आपके कलर का हो जाता है, आपके कलर से मैच हो जाता है। तो आपको इसकी परेशानी नहीं होती कि आपने हमेशा वैक्स कराना है फेस पे या फिर आपने अपर लिप कराने हैं, ये आपके पूरे कलर को मैच कर देता है। अगर आप किसी ओकेज़न में जा रहे हो और उससे पहले अगर आप चाहते हो कि इंस्टेंट ग्लो आए आपके फेस पे, तो आपने ब्लीच जरूर लेना चाहिए। ब्लीच करने के बाद अगर आप फेशियल लेते हो तो इंस्टेंट ग्लो आता है और आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई दिखता है। तो आप ये ज़रूरी नहीं कि आपने ब्लीच के बाद फेशियल लेना ही है, आप सिर्फ ब्लीच भी कर सकते हो। अगर आपका स्किन फेयर है तो आप 15 मिनट के लिए रखें, और आपका स्किन थोड़ा सा लाइट है तो आपने 10 मिनट के लिए रखना है अपने स्किन पे, और उसके बाद आपने अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए, गीले पानी से पोंछ लीजिए या फिर अपने फेस को डायरेक्ट वॉश कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं यूज करूंगी पोस्ट जेल, तो इससे अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लीजिए 1 मिनट के लिए और ये आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लो देगा फ्रेंड। बिलीव मी, मुझे VLCC के ये गोल्ड ब्लीच बहुत ही पसंद है क्योंकि ये इंस्टेंट ग्लो देता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरे वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर लो और शेयर कर लो। थैंक यू।